नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों आज बात करूंगा मैं क्या कल भी बाजार गिरेंगे। इनफैक्ट कल भी तो नहीं बोलना चाहिए क्योंकि फ्राइडे के सेशन में तो तेजी थी, लेकिन ऊपर से आपने गिरावट ही देखी। जहां पे हम खोले वही टॉप था, उसके बाद कंटिन्यू गिरावट देखी, डेज लो के पास बंद हुए और अमेरिका के बाजार में शाम के टाइम हम लोगों ने 400 पॉइंट्स की एक गिरावट के साथ क्लोजिंग देखी है, जिसके बाद हम सभी को एक ही चीज दिख रही है कि कल के सेशन में बाजार गिरकर खुल सकते हैं और गैप डाउन ओपनिंग होगी। लेकिन सवाल ये उठता है उस गैप डाउन ओपनिंग के बाद क्या करें, क्या वो गिरावट में लेने का मौका होगा या फिर बेचने का ही सही समय है ये, तो इसी के बारे में जानेंगे। तीन मेन ट्रिगर्स आप सभी के साथ शेयर करूंगा। आपको किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है कल के सेशन में कि क्या बाजार गिरेंगे या फिर हम खरीदें या बेचें, सिर्फ ये तीन ट्रिगर्स देखने हैं। कैसे देखने हैं, कहां मिलेंगे, तीनों चीजें समझाऊंगा बहुत ही आसान भाषा में। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाता हूं, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है यार, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मार्केट से रिलेटेड हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। दोस्तों ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इसको लाइक कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। सबसे पहले बात करें जरा अमेरिका के बाजार का, थोड़ा सा एक रिव्यू लेते, चेकअप ले लेते हैं कि भाई कैसा हिसाब किताब था फ्राइडे के सेशन में। तो डाउ जोन्स लगभग 29,634 के लेवल्स पे क्लोजिंग देता हुआ देखा है आप सभी ने, और यहाँ पे आपने डेज लो के पास क्लोजिंग देखी है। हाई की बात करें तो 30,428 का हाई था फ्राइडे के सेशन में, यानी अगर आप हाई से कंपेयर करेंगे तो ये लगभग 800 पॉइंट्स की गिरावट है, जिसमें से 400 पॉइंट्स आपने क्लोजिंग देखिए गिरकर और ऊपर से 400 पॉइंट वैसे गिरे, तो टोटल ओवरऑल गिरावट जो होगी होगी लगभग 800 पॉइंट्स की, तो बड़ी गिरावट है दोस्तों। अब जरा हम अपनी एसजीएक्स निफ्टी का हाल देखें तो एसजीएक्स निफ्टी लगभग 165 यानी 165 पॉइंट्स गिरकर कहीं ना कहीं ट्रेड करते हुए दिखे हमें, और 17,047 के लेवल्स पे कहीं ना कहीं क्लोजिंग मिली है। हमारे इंडियन इक्विटी मार्केट के हिसाब से निफ्टी की बात करें तो 17,185 के लेवल्स पे है। काफी सारे बिगिनर्स होते हैं जिन्हें ये भी नहीं पता होता है एसजीएक्स निफ्टी क्या होती है। देखिए जो जिनको पता होता है ना बाजार में, उन्हें लगता है ये तो बहुत आसान है, तो सबको पता होना चाहिए, बट ट्रस्ट में मेरे पास कभी कभार कमेंट्स आते हैं व्हाट इज एसजीएक्स निफ्टी, व्हाट इज एडीआर, तो नहीं पता होता, तो बताना हमारा काम है। एसजीएक्स निफ्टी जो है दोस्तों, एसजीएक्स निफ्टी जैसे आप निफ्टी देखते हैं 9:15 से लेके 3:30 तक, और आप सामने देखते हैं जब मार्केट बंद हो जाती है, उसके बाद अगर आप निफ्टी का अंदाजा लगाना चाहें तो उसे आप एसजीएक्स निफ्टी के थ्रू लगा सकते हैं कि अब हमारी निफ्टी कैसे ट्रेड करी है, यानी कि सिंगापुर निफ्टी होती है ये। अब मैं बताऊं एसजीएक्स निफ्टी कैसे देखते हैं, तो आप सिंपली एक एप्लीकेशन है सबके फोन में होती है मनी कंट्रोल, मनी कंट्रोल पे जाएंगे एंड मनी कंट्रोल में साइड में ग्लोबल इंडेक्स दिखेगा, वहां पे सबसे टॉप पे एसजीएक्स निफ्टी ही होती है, उसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी मार्केट कल के सेशन में कैसे ओपन हो सकती है या किस लेवल पे ट्रेड कर सकती है। सिर्फ ये एक अंदाजा होता है, फैक्ट नहीं होता, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, अब बात करते हैं कल कौन कौन से मेन ट्रिगर्स हैं जो आपको मैं बताना चाहता हूं, जो आपको देखने हैं, किसी से कुछ नहीं पूछना। तो तीन ट्रिगर्स हैं दोस्तों और मैं इनको काफी बार शेयर भी कर चुका हूं, इंटरेस्ट में अगर आप इन्हें फॉलो कर रहे हो ना तो आप डेफिनेटली मार्केट को समझ पा रहे हो। पहला है डाओ फ्यूचर्स, दूसरा है डॉलर इंडेक्स एंड तीसरा है हमारे रुपए की बात कर रहे हैं, यानी दो करेंसी मार्केट्स हैं और एक डाउ फ्यूचर्स है, ठीक है। अब इनको कैसे चेक करना है वो मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इनसे क्या पता लगेगा। अब मान लीजिए कल के सेशन में गैप डाउन ओपनिंग दिख रही है 9:08 पे, आपने देखा मार्केट सेटल हो रही है 150 पॉइंट, 140 पॉइंट, 165 पॉइंट जो भी है वो गिरकर दिख रही है। उसके बाद आपको 9:10 पे ही पहले डाउ फ्यूचर्स देखना है, अगर डाउ फ्यूचर्स ऊपर है यानी हरे निशान में है, चाहे वो 20 पॉइंट ही हो, तो आप समझ लो रिकवरी आएगी, ठीक है। अगर डाउ फ्यूचर्स नीचे हैं 50 पॉइंट्स तो आपको वेट करना है, और फिर वो 50 पॉइंट से 100 पॉइंट हो रहे हैं तो मतलब और गिरेंगे बाजार, ठीक है। इस तरीके से आपको चेक करना है। दूसरा संकेत है डॉलर इंडेक्स, अगर डॉलर इंडेक्स बढ़ता हुआ दिख रहा है आपको, दैट मीन्स वीकनेस और बढ़ेगी, अभी गिरावट है, और अगर रिकवरी दिख रही है तो फिर बाजार में रिकवरी करने का समय हो गया। तीसरा है हमारा रुपए, अगर रुपए आपको मजबूत होता हुआ दिखे करेंसी मार्केट में, जो कि 9 खुलेगी करेंसी मार्केट, तो आपको समझना है बाजार में रिकवरी आएगी, और हमारा रुपए अगर और कमजोर होता हुआ दिखे तो आप समझ लीजिए कि अभी बाजार में दिक्कत चलने वाली है, ठीक है। अब इन तीनों चीजों को कैसे चेक करते हैं उसके बारे में बताता हूं। पहले रुपए की बात कर लेते हैं क्योंकि वो मनी कंट्रोल एप्लीकेशन से ही आप चेक कर सकते हैं। तो मनी कंट्रोल पे आप नीचे स्लाइड करेंगे, सबसे नीचे आएंगे एंड कमोडिटी एंड करेंसीज दिखेगा आपको, उसके साइड में पहला कमोडिटी होगा, दूसरा करेंसी होगा। तो करेंसी पे आप देखेंगे तो सबसे ऊपर होता है यूएसडी आईएनआर, ये होता है हमारा रुपए,
डॉलर के सामने हमारा रुपए कैसा ट्रेड कर रहा है। तो अभी 82.35 के लेवल्स पे क्लोजिंग है, यहां थोड़ा समझना, 82.35 है और अगर कल 82.40 हो जाए यानी 5 पैसे बढ़ जाए तो आपको इसको पॉजिटिव नहीं नेगेटिव लेना है। क्यों? क्योंकि रुपए हमारा डॉलर के सामने 5 पैसे और कमजोर हो गया। आप यानी कि अगर ये हरे निशान में दिखे आपको दैट इज नेगेटिव फॉर अस, अगर ये आपको लाल निशान में दिखे तो दैट इज पॉजिटिव फॉर अस। ठीक है, यानी कि अगर 82.30 पे हो या उससे नीचे हो तो हम लोग अच्छे हैं, मजबूत हो रहा है रुपए, यानी मार्केट ऊपर आना चाहिए। 82.35 के ऊपर हो या 82.45 हो, 4 हो, जो भी हो, तो कमजोर हो रहा है, नेगेटिव है। समझ गए आप? चलिए अब दूसरी चीज की बात करते हैं, दूसरी भी करेंसी मार्केट समझ लेते हैं, उसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट अपने डाउ फ्यूचर्स पे। तो डॉलर इंडेक्स देखने के लिए आपको गूगल पे कुछ नहीं लिखना है, डॉलर इंडेक्स लिखना है एंड सबसे टॉप पे जो भी साइट खुलेगी उसी पे क्लिक कर देना है। अभी 113.30 के लेवल्स पे सेम रुपए की तरह जितना ये ऊपर जाएगा 113.30 113.50 हो जाए 60 है तो नेगेटिव है, जितना गिरेगा उतना पॉजिटिव है। ठीक है, करेंसी मार्केट हमें गिरनी चाहिए हमारे लिए, सिंपल सी बात है, समझ गए होंगे। अब बात करते हैं लास्ट डाओ फ्यूचर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे मॉर्निंग के सेशन में। तो डाओ फ्यूचर्स को देखने के लिए भी आपको गूगल पे डाओ फ्यूचर्स लिखना है, सबसे टॉप पे जो साइट आएगी उस पर क्लिक करना है एंड आपके सामने डाओ फ्यूचर्स ओपन हो जाएंगे। और डाओ फ्यूचर्स की बात करें तो 29,708 के लेवल्स पे कहीं ना कहीं आपको अभी क्लोजिंग मिली है, 383 पॉइंट्स गिरकर दिख रहे हैं, एक्चुअल में 400 पॉइंट्स गिरे हैं। अब यहां से रिकवरी होती है तो बाजार पॉजिटिव हो, अगर और वीकनेस आती है तो और गिरेंगे। होप आपको क्लियर कट समझ में आ गया होगा, कैसे चेक करना है सब कुछ आ गया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।